स्वागत है आप सभी का अर्जुना कोचिंग बिलासपुर में। यहाँ पर ACF की तैयारी कराई जाती है और ACF की क्लासेस 5 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं, तो बिना देरी किए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना सीट सुनिश्चित करें। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ छत्तीसगढ़ क्या हैं और आपके सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम और इसके बाद क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग स्कीम, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। आप ACF का सिलेबस उठा के देख लीजिए, एग्रीकल्चर का पोर्शन उठा के देख लीजिए, ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि जिनके बारे में हमें पढ़ना है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो होगा आपका क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग स्कीम। इसके बाद ये जानेंगे कि इन सारी चीज़ों में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है कैसे, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, आपके ऑलमोस्ट 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसे छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते। और बात रही इतने बड़े सिलेबस को अगर आप स्पेसिफिकली फोकस करने जाएंगे तो भी आपके लिए दिक्कत है। तो आपको करना क्या है कि जो मटेरियल हमने रेडी किया है, क्योंकि देखिए बीइंग अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमने इसको पढ़ा है तो हमें समझ आता है कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम उस पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, जो आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स बताए जाते हैं, उन्हें आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। इसे हिंदी में बोला जाता है फसल चक्र। ठीक है, आप बात को समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है और इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं, पहला है क्रॉप जो कि जुड़ा है रोटेशन के साथ। पहला क्या है? क्रॉप जो किससे जुड़ा है? रोटेशन के साथ। रोटेशन का मतलब क्या होता है? चक्र। चक्र क्या है? एक ऐसा सर्कल जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वहीं एक पॉइंट पे आके खत्म होती है। मान लेते हैं कि ए से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसने मूवमेंट किया, मूवमेंट करने के बाद वापस कहां से? उसी पॉइंट पे कंप्लीट होता है, ये चक्र कहलाता है ना। अच्छा, किसका चक्र? फसल का चक्र। फसल का चक्र कैसे होगा कि हम इसमें, अब डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा कि क्रॉप रोटेशन की परिभाषा क्या है। निश्चित स्थान या क्षेत्र में निश्चित अवधि में विभिन्न फसलों को हेर फेर कर बोना। क्या तीन चीज याद रखने हैं जो आपके MCQs में पूछे जाते हैं? पहला चीज क्या है आपका? निश्चित क्षेत्र, मतलब क्या आपका? फिक्स्ड एरिया है। ठीक है, क्या है? फिक्स्ड एरिया। सेकंड चीज क्या है? निश्चित अवधि। अवधि को इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड या ड्यूरेशन। और तीसरा चीज क्या है? विभिन्न फसल, मतलब डिफरेंट आपके क्रॉप्स। तीन चीजें हो गई। यही तीन चीजों से तो आपका क्रॉप रोटेशन बना है कि हम एक ऐसा चक्र बना रहे हैं जहां पे आपका जो क्षेत्र है वो निश्चित है। मान लेते हैं कि इस क्षेत्र का जो साइज है वो 1 हेक्टेयर है। ठीक है, अगर आप एकड़ में लेना चाहते हैं तो एकड़ में ले सकते हैं, आप डिसमिल में लेना चाहते हैं तो डिसमिल में ले सकते हैं। बस वो क्षेत्र आपका क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि, मान लेते हैं 1 साल। कितना मान लेते हैं? 1 साल। आप इस ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 महीने कर सकते हैं, 6 महीने कर सकते हैं, 1 साल कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट टाइम आपका क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा। और इसमें क्या करना है? विभिन्न फसल, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से हो सकते हैं? धान हो सकता है, गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है, ज्वार हो सकता है। आप सब्जी वाले फसलों को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं ना कि सिर्फ अनाज वाले फसलों को लेना है। आप सब्जी में चले जाइए, आप करेला ले लीजिए, आप भिंडी ले लीजिए, आप कुमड़ा ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं।
मतलब सिंपल से क्या समझना है, डिफरेंट क्रॉप्स होने चाहिए, सेम क्रॉप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धान 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 धान, ये नहीं, धान गेहूं मूंग, धान गेहूं मूंग। तो क्या तीन चीज है, पहला है निश्चित क्षेत्र हो गया आपका, दूसरा है निश्चित अवधि होगी, और तीसरा डिफरेंट क्रॉप्स हो गए, विभिन्न फसलें हो गए। इन्हीं तीनों को क्या है, इन्हीं तीनों में आपसी संबंध बनाना है। कैसे आपसी संबंध? तो आपसी संबंध ये है कि मान लेते हैं कि एक साल की अवधि में मैंने एक हेक्टेयर की जमीन पर धान गेहूं और मूंग की खेती की, ये आपका क्या कहलाया, फसल चक्र। चक्र है ना, मैंने पहले क्या लगा दिया, मान लेते हैं, अच्छा यहाँ समझ लीजिए, ट्रायंगल में यह आपका समय स्टार्ट होता है, मान लेते हैं जुलाई से, जुलाई से लेके मैंने अक्टूबर तक क्या लगाया आपका, धान लगा दिया, राइस लगा दिया, ठीक है। अक्टूबर में हार्वेस्ट होते होते नवंबर हो गया, एक महीने का मैंने गैप लिया, फिर अक्टूबर से लेके मैंने वापस से फरवरी मार्च तक क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया आपका वीट लगा दिया, मतलब गेहूं लगा दिया, फिर फरवरी से लेके आपका जून तक मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मूंग लगा दिया। अच्छा कहाँ पे मैंने लगाया, इस एक हेक्टेयर के जमीन पे निश्चित अवधि में अलग अलग फसलों को बो दिया, यही तो क्रॉप रोटेशन है, यही तो क्रॉप रोटेशन है, पेपर में यही तो पूछा जाता है। की पॉइंट्स क्या है आपके, तीन की पॉइंट्स है, निश्चित एरिया, निश्चित अवधि, विभिन्न फसल, हेर फेर कर बोना, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्लियर है, समझ आ गया, क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं। अब बात आती है कि क्रॉप रोटेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्रॉप रोटेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो याद रखेंगे कि लगातार फसलों को बदल बदल कर बोने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति है और किसानों को जो आय प्राप्त होता है, उन दोनों में ही वृद्धि होती है। अब आय अगर आपको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो उपज है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो ये तो तीन की पॉइंट्स है कि फसल चक्र है क्या। फसल चक्र से अगर मैं बोलूँ क्यों किया जाता है, तो पहला चीज क्या है आपका, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी जो आपकी उर्वरा शक्ति है उसको इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा चीज क्या है, यील्ड जो आपकी उपज है उसको इंक्रीज करने के लिए। मैंने फील्ड का फर्टिलिटी इंक्रीज कर दिया, सॉइल की जो मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा दिया, मैंने अपने उपज को बढ़ा दिया। अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा ना भाई, मुनाफा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और अगर मुझे बेनिफिट मिला तो यही तो करना था मुझे, हो गया फसल चक्र। क्या है, हो गया फसल चक्र, ये चीज समझ आ गई आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर करता है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के सिद्धांत। देखिए सिद्धांत को पेपर में ना कई तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको उसका एग्जाम्पल पूछ देगा, या तो आपको उसका थ्योरी पूछ देगा स्टेटमेंट के बेस पे कि निम्न में से फसल चक्र का सिद्धांत है, ठीक है। तो बहुत तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अच्छा सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत का मतलब होता है जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी कुछ क्या है, विशेषताएं होती हैं। तो यही आपके क्या है, क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि किसी फील्ड में आपको क्या करना है, फसलों को, विभिन्न फसलों को लगातार हेर फेर कर बोना है। सबसे पहला प्रिंसिपल हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी सेम सीजन का, क्या है, सेम सीजन का क्रॉप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सबसे मेन रूल समझ लीजिए, प्रिंसिपल समझ लीजिए, ठीक है, आप जो समझना समझ लीजिए, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि आपकी सेम सीजन की। अच्छा सीजन क्या होता है, तो एग्रीकल्चर में ना तीन सीजन पाए जाते हैं। क्या है, एग्रीकल्चर में तीन सीजन पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है आपका खरीफ, एक को कहा जाता है आपका रवि, और एक को कहा जाता है आपका जायद। क्या कहा जाता है, खरीफ, रवि, जायद। अब ये चीज बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये सर खरीफ क्या है, रवि क्या है, जायद क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को समझ आ भी गई होगी, और जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं उनको तो बिल्कुल ही समझ आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, जिनको समझ नहीं आया है उनको समझाना है कि खरीफ मतलब आप इसको रेनी सीजन बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं, रेनी सीजन, जो बरसात का वक्त है वर्तमान समय, ये क्या कहलाएगा, आपका खरीफ कहलाएगा। रबी क्या कहलाएगा, आपका विंटर सीजन, जो ठंडी का वक्त रहता है ना उसको क्या कहते हैं, रबी। और जो जायद रहता है ये कौन सा है आपका, समर। अब समझ आया, अब समझ आ गया कि तीन सीजन कौन कौन से हैं, बारिश होती है, ठंडी होता है और गर्मी पड़ती है, यही तीन तो एग्रीकल्चर के भी सीजन्स हैं। अब बात आती है कि खरीफ सीजन स्टार्ट कब होता है, तो खरीफ सीजन याद रखिएगा कि जून जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, जून जुलाई में, और ख़त्म कब होता है, देखिए चार महीने का ड्यूरेशन लेना है, क्योंकि एक साल की बात करें ना तो एक साल में महीने कितने होते हैं, चार, और हमारे पास मौसम कितने हैं, तीन, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक मौसम को कितना महीना मिलेगा, चार महीने मिलेगा। अभी अगर जून जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो चार महीने आगे कर दो, मान लो जून से स्टार्ट हो रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब अगर आपने जून में स्टार्ट किया है तो अक्टूबर में आपका हार्वेस्ट हो जाएगा, मैंने ट्रायंगल में समझाया था आपको। मान लेते हैं आपने जुलाई में सोइंग किया है या जुलाई में आपने फसल लगाई है, तो एक महीना और बढ़ा दीजिए, कब हो जाएगा आपका, नवंबर। तो इसका टाइम अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जून जुलाई से शुरू होता है और ये हार्वेस्ट कब होता है आपका, अक्टूबर नवंबर में। ये लो हो गया। अब मान लेते हैं कि अक्टूबर में अगर हार्वेस्ट हुआ है तो यहाँ से अगला सीजन रबी का शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है आपका, अक्टूबर नवंबर से शुरू हो गया आपका रबी। अच्छा, अक्टूबर से चार महीने ले लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैंने फिर से ट्राइंगल में फरवरी दिखाया था। अब ये अगर अक्टूबर में आप क्रॉप लगा रहे हैं तो फरवरी में हार्वेस्ट हो जाएगा, नवंबर में लगा रहे हैं तो मार्च में हार्वेस्ट होगा। अब देखिए फरवरी मार्च कहाँ से आपका किसका स्टार्ट होगा, आपका समर का। अब फिर से चार महीने ले लीजिए, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, और अगर ये जून है तो ये क्या हो जाएगा, जुलाई। अच्छा, मैं ये भी बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि खरीफ सीजन कब शुरू होता है, खरीफ सीजन में क्या होता है, खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, खरीफ सीजन में अवधि क्या रहती है, खरीफ सीजन में टेम्परेचर, सारी चीज़ें रहती है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास ही ले लूँगा मैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सीजन्स और एग्रीकल्चर के जो आपके स्पेशल टर्मिनोलॉजीज हैं उसके लिए। बस अभी ये समझ लीजिए कि खरीफ क्या है आपका, बारिश वाले मौसम। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। कैसे याद होंगी, आप बारिश में कौन कौन सी फसलें ज़्यादा देखते हैं, देखिए अभी आपको मिलेगा मक्का, अभी आपको मिलेगा धान, ठीक है, अभी आपको मिलेगा ज्वार, अभी आपको मिलेगा बाजरा, यही सारी चीज़ें तो हैं किसमें, खरीफ में। याद करने की ज़रूरत क्या है, आप सोचिए ना कि आप अभी अगर खेत की तरफ जाएंगे तो आपको कौन कौन सी फसलें दिखाई देती है, वही तो आपका खरीफ है। अब बात करते हैं रवि की, ठंडी में कौन कौन सी फसलें आपको दिखाई देती है, गेहूं दिखाई देता है, चना दिखाई देता है, मटर दिखाई देता है, सरसों दिखाई देता है, ये आपकी हो गई रवि की। जायद में आपको क्या दिखाई देता है, गर्मी के दिनों में ककड़ी दिखाई देता है, खीरा दिखाई देता है, कद्दू दिखाई देता है, मूंग दिखाई देता है, उड़द दिखाई देता है, यही तो है जायद। इसमें बताइए अब कौन से रटने की जरूरत है, क्या जरूरत रटने की, बिल्कुल नहीं है। समझते जाइए बनते जाएगा, समझते जाइए याद होते जाएगा, बिल्कुल रटने की तो जरूरत है ही नहीं। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पहला प्रिंसिपल क्या है कि सेम सीजन का क्रॉप नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने खरीफ में बताया ना कि धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, तो ऐसा नहीं है कि क्रॉप रोटेशन में आप धान को और मक्के को रिपीट करके लगाएंगे। ठीक है, रिपीट करके मतलब क्या है, खरीफ में अगर आपने धान लगा दिया है तो रबी में आप खरीफ सीजन का कोई क्रॉप नहीं लगाएंगे, आपको रबी में रबी सीजन का ही क्रॉप लगाना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे खरीफ में मैंने क्या लगा दिया है, राइस लगा दिया है, धान लगा दिया है, तो रबी में मैं क्या लगा दूंगा, वीट लगा दूंगा। फिर जायद में इस चीज़ का याद रखना है कि जायद में जायद वाली फसल को ही लगाना है, ना कि खरीफ के, ना कि रबी को लगाना है, तो किसको लगा दूंगा मैं, मूंग। ये लीजिए आपका बन गया क्या, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। समझ गए, पहला प्रिंसिपल समझ आ गया होगा, ठीक है, आई होप समझ बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि यदि एक दलहनी फसल लगा रहे हैं आप, ठीक है, खरीफ में अगर आप दलहनी फसल लगा रहे हैं तो रबी में अदलहनी फसल को लगाइए। क्या बोल रहा है कि दलहनी, जिसको क्या बोलते हैं, लेग्यूम, दलहनी के बाद अदलहनी, मतलब
लेग्यूम्स के बाद कौन सी फसल आपको लगानी है? नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, नॉन लेग्यूम को लगाना है, ठीक है। अब इससे आप क्या समझेंगे, अब वापस से फिर आपको क्रॉप्स में थोड़ा जाना पड़ेगा, फसलों में जाना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि आपकी दलहनी फसल कौन सी है और अदलहनी फसल कौन सी है। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, दलहनी मतलब दाल वाली फसल। कौन सी है दाल वाली फसल? बहुत सारी है आपकी दाल वाली फसल, अरहर है, ठीक है, मूंग है, उड़द है, ठीक है, और आपका क्या है, चना है, ये सब दलहनी फसल है ना आपकी, मटर है, ये सारी कौन सी क्रॉप है आपकी? दलहनी फसल तो है, इसी से तो दाल खाते हैं, मसूर है आपका, ठीक है, तिवड़ा है। देखिए याद करते जाएंगे ना ये लिस्ट और आगे बढ़ता जाएगा। बस आपको क्या समझना है कि लेग्यूम या दलहनी फसल कौन सी है, तो ये सारे दलहनी फसल है। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल को लगाना, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे देखिए अरहर क्या है आपका, खरीफ सीजन का क्रॉप है, मूंग क्या है आपका, जायद सीजन का क्रॉप है, चना क्या है आपका, रबी सीजन का क्रॉप है। तो क्रॉप रोटेशन का पहला प्रिंसिपल क्या बोल रहा था कि आपको सेम सीजन का क्रॉप नहीं लगाना है, तो ये तो सेम सीजन के नहीं है, तो मतलब इन तीनों को लगा सकता हूं एक के बाद एक, के पहले मैंने अरहर लगा दिया, फिर चना लगा दिया, फिर मूंग लगा दिया, पर गलत तो नहीं है बिल्कुल, प्रिंसिपल को तो सेटिस्फाई कर रहा है, आपको संतुलित कर रहा है। पर दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई आप एक काम करो, एक बार आप दलहनी लगा दो, उसके बाद ना अदलहनी फसल को लगा दो, ठीक है। भले ये तीनों अलग अलग सीजन के हैं, पर इनको ना एक के बाद एक मत लगाना यार, क्यों नहीं लगाना ये मैं बताऊंगा। बट अदलहनी कौन से हैं, अब जो दाल नहीं है वो सारे कौन से हैं अदलहनी? आपका धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, मतलब जो बच गए रिमेन दलहनी फसल को छोड़ के, जो लेग्यूम्स नहीं होते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, अदलहनी। अब बात आती है कि क्यों दलहनी के बाद अदलहनी को लगाया जाता है। तो अगर आप लोगों को पता हो, थोड़ा सा आप ना हाई स्कूल के क्लास में जाइए या हायर सेकेंडरी में जाइए, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको पता होगा, जो नहीं है, जो नॉन बायोलॉजी वाले हैं, जो नॉन साइंस स्ट्रीम्स वाले हैं, उनको भी पता होगा, आपने कक्षा आठवीं या दसवीं में ये चीज़ तो बिल्कुल पढ़ी होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है, याद आ रहा है क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? जो आपके लेग्यूम क्रॉप रहते हैं, दलहनी फसल रहते हैं, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ये उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या पाया जाता है? नोड्यूल्स। नोड्यूल्स में क्या होता है? नोड्यूल्स में आपकी बैक्टीरिया रहती है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है भाई? ये बैक्टीरिया करता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन। याद आ रहा है कुछ? क्या हो रहा है? सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, यही कहना चाहता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बैक्टीरिया रूट को बोलता है कि भाई तुम मुझे रुकने के लिए जगह दो, क्या करो, तुम मुझे रुकने के लिए जगह दो। तो रूट क्या बोलता है, जो जड़ रहता है वो आपस में जो बैक्टीरिया को क्या बोलता है, हाँ मैं तेरे को रुकने के लिए जगह दूंगा, तो बदले में मेरे को नाइट्रोजन दे। दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया, एक ने क्या बोला कि मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए, दूसरे ने बोला कि हाँ मुझे नाइट्रोजन चाहिए। ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। क्या है ये? सिम्बायोटिक रिलेशन। और इसी के वजह से जो आपके दलहनी फसल रहते हैं ना, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का फिक्सेशन स्वयं ही कर देते हैं, मतलब उनको जो अलग से नाइट्रोजन दिया जाता है उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि वातावरण से ही वो बहुत सारे नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि देखिए, अब एक और चीज आती है, बात आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रोजन दिया क्यों जाता है, नाइट्रोजन क्या है, सबसे बड़ा बात तो ये है। तो नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट है। अब पोषक तत्व क्या होता है? जैसे हमें जिंदा रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व खाने पड़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आपका वसा, ठीक है, आपका ऐश जो राख रहता है, उसके बाद आपका जल, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए पोषक तत्व है। वैसे ही पौधों के लिए भी पोषक तत्व आते हैं। जब मैं सॉइल की क्लास लूंगा ना, वहां आपको समझाऊंगा कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोला ना कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इन चीजों को अलग से पढ़ो, तो हम यहां पे इसीलिए हैं कि आपको हम इस चीजों को इजी वे में बहुत अच्छे से समझा सके। क्लियर है?
तो मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन क्या है, एक पोषक तत्व है, जैसे हमें खाने की जरूरत है पौधों के लिए भी वृद्धि और विकास करने के लिए उनको पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिए। अब देखिए ये कौन, ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है आपकी, भूमि के निचली सतह में। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हुआ तो वो भूमि में ही होगा, भूमि में ही होगा ना। तो मतलब जैसे ही मैं इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर भी दूं, उसके बाद भी भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बची रहेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि दलहनी के बाद अदलहनी फसल को लगाना, क्योंकि अदलहनी फसलों में जो पोषक तत्व है ना उसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए रहती है। तो अगर हम पहले दलहनी फसल लगा दें तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा, तो बाद में क्या है, मुझे पोषक तत्व कम देने पड़ेंगे। क्या है, पोषक तत्व कम देने पड़ेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रिंसिपल था। तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि उथले जड़ वाली फसल के बाद गहरे जड़ वाली फसल को लगाना। क्या है, अब मैं सीधा लिखते जाता हूं ना, उथला जड़ मतलब होता है शैलो रूट के बाद, जो शैलो रूट क्रॉप है ना उसके बाद आपको किसको लगाना है, डीप रूटेड क्रॉप को। अब ये क्या कहना चाहता है भाई, शैलो रूटेड क्या होता है, डीप रूटेड क्या होता है, ठीक है। तो शैलो रूटेड का मतलब रहता है उथली जड़ें, मतलब जिसकी जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती, बस ऊपरी सतह पर ही क्या रहती है, फैली रहती है। जबकि डीप रूटेड क्या रहता है, ऐसा फसल जो कि जमीन पर बहुत अधिक गहराई तक जाती है, ठीक है। क्या करती है, जमीन की बहुत अधिक गहराई तक जाते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा ना, एडवेंटिनियस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने। तो यही होता है कि जो शैलो रूट है वो क्या रहता है, भूमि की जो निचली सतह रहती है उसकी कम गहराई तक फैली रहती है। अब देखिए डीप रूटेड या जो गहरी जड़ वाली फसलों को लगाने से नुकसान क्या होता है ना, कि जैसे आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, उखाड़ेंगे, वो बहुत गहरी, ठीक है, क्या है, बहुत गहराई की मिट्टी को उखाड़ के ले जाएगा। अब अगर बहुत गहराई की मिट्टी उखड़ रही है तो क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन होगा, मृदा का क्षरण होगा। और अगर मृदा का क्षरण हुआ तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी तो चली जाएगी, भूमि की उर्वरा शक्ति का भी ह्रास होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पहले लगा दो भाई शैलो रूटेड, जिससे कि क्या है, जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक ना जाएं, जिससे कि जो मृदा का क्षरण है वो कम है। अब उसके बाद आप लगा दो डीप रूटेड। अच्छा, इसका एक और रीज़न, इसका ना एक और रीज़न, एक तो इरोजन वाला रीज़न सही है, दूसरा रीज़न ये है ना कि शैलो रूटेड जो रहता है, देखिए आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि आपने एक डायग्राम देखा होगा शायद छठवीं या सातवीं के प्रयोगशाला में था, CGBSE में, और अगर CBSE मिले तो आई होप शायद ये सेवेंथ में है, आपका चैप्टर 1 या 2 ही है। तो उसमें हमें एक डायग्राम दिखाया जाता था कि ये आपका पौधा रहता है, ठीक है, क्या रहता है, ये आपका ऐसे पौधा रहता है और यहाँ पे उसकी जड़ें रहती हैं, और इस जड़ों को हम क्या करते हैं, इस जड़ों को हम पानी में डुबा देते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या रहती है, मिट्टी रहती है, ठीक है, ये चारों तरफ आपकी मिट्टी हो गई, इसको हमने क्या किया, पानी में डुबा दिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ पोषक तत्व ऊपर जाता है, ठीक है, वो जड़ें रहती है ना, जैसे लाल कलर का पानी मैंने यूज़ किया तो दिखता है कि जड़ों की जो नसें रहती हैं, वो जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स रहता है वहाँ पे आपका ऐसा कुछ दिखता है कि कुछ चीज़ यहाँ से ऊपर जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दूसरी दिशा में जा रही है। अच्छा, ये क्या चीज़ ऊपर जा रही है, ये न्यूट्रिएंट ऊपर जा रही है। अब मान के चलिए कि आपका जड़ ये मृदा का सतह है ना, ये मान लेते हैं 5 इंच है, ये मान लेते हैं 10 इंच है, इसके बाद मान लेते हैं 15 इंच की सतह है। अब मान लेंगे कि आपकी सारी की सारे पौधों की जड़ें 5 इंच तक ही है, क्या है, सारे पौधों की, मतलब क्रॉप रोटेशन में जो आपने खरीफ में पौधा लगाया उसकी जड़ 5 इंच तक गई, रवि में जो लगाया उसकी 5 इंच तक गई, जायद में जो लगाया उसकी 5 इंच तक गई, अगर 5 इंच तक ही आपकी जड़ें जाएगी तो यहाँ तक की मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं वो तो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, क्या है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ जो 10 इंच से लेकर 15 इंच तक का जो पोषक तत्व है उसका यूज़ ही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि जड़ें तो नीचे जा ही नहीं रही हैं। अब मान लीजिए कि लगातार एक ही डेप्थ की आप जो रूट है उसको लगाते जाएंगे तो पोषक तत्व भी तो जल्दी जाएगा। पर मान लेते हैं कि मैंने एक जगह शैलो लगा दिया, एक जगह डीप लगा दिया, तो शैलो में क्या है, जो ऊपरी परत का पोषक तत्व है उसको शैलो रूट वाला ले लेगा, और जो डीप है वो क्या करेगा, 10 से 15 इंच की जो गहराई है वहाँ का पोषक तत्व ले लीजिए। तो एक बाण बोलते हैं ना, एक तीर में दो निशाने, हमने क्या किया, दो अलग फसलों को लगाया और भूमि की जो
जिस गहराई तक आपका पोषक तत्व है उस पूरे पोषक तत्व का उपयोग कर लिया, तो क्या होगा? कंपटीशन नहीं होगा। क्या होगा? कंपटीशन नहीं होगा। ये आपका क्या था? तीसरा प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल ये बोलता है कि अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद कम जल चाहने वाली फसल को लगाना, मतलब हाई वाटर रिक्वायरमेंट जो आपकी क्रॉप रहेगी उसके बाद क्या रहेगा, लेस या फिर इसको क्या बोलते हैं, लो वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप को लगाना। अब ये क्यों है? तो ये इसलिए है कि हाई वाटर रिक्वायरमेंट, मान लेंगे कि आप जो भूमि में जल दे रहे हैं, जैसे खरीफ में होता है ना, बारिश के दिन में क्या रहता है, फील्ड में भयंकर पानी रहता है। आप धान के खेत में जाके देखिए, एकदम 15-20 इंच तक क्या रहता है, फील्ड में पानी भरा रहता है। अब लगातार अगर मैं हर सीजन में फील्ड में पानी भरूं तो भूमि की संरचना भी तो बिगड़ने लगेगी, कीचड़ होने लगेगा। अब देखते हैं ना, कीचड़ सूखने के बाद क्या रहता है, एकदम पत्थर हो जाता है, एकदम आपकी जो सॉइल रहती है ना वो टाइट हो जाती है। बार बार आपका क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर को बिगाड़ने से भी आपका सॉइल फर्टिलिटी क्या रहता है, बिगड़ने लगता है। तो आपने पहले क्या किया, हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप लगा दिया, हमने पहले खरीफ में खूब पानी दे दिया। अब देखिए, जब हार्वेस्ट होता है ना फसल, खरीफ में जब धान की कटाई होती है, उसके बाद भी आपके भूमि में जल की नमी की मात्रा बनी रहती है। उसी नमी का उपयोग कौन करता है, लो वाटर रिक्वायरमेंट वाला जो क्रॉप रहता है, जैसे कि आपका चना हो गया, जैसे कि आपका गेहूं हो गया। ठीक है, चना का तो बहुत ही कम रहता है यार, जैसे कि आपका तिवड़ा हो गया, और आप ले लेंगे तो जो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये क्या है, बहुत कम पानी में अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप को लगा दिया, पूरे फील्ड में पानी भर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, लो वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप को लगाया, जो कि फील्ड के मॉइस्चर का क्या ही करता है, यूज करता है। मतलब आपका बार बार आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने पानी दिया, उसी नमी का उपयोग किया, और उसी नमी के बाद मैंने क्या कर दिया, दूसरी फसल लगा दी। क्लियर है? अब देखिए, पेपर में पूछा क्या जाता है, बोलेंगे सर थ्योरी थोड़े पूछा जाएगा वहाँ पे। तो पहला तो मैंने बोला स्टेटमेंट बेस पे पूछ सकता है कि निम्न में से फसल जो आपका चक्र है उसका सिद्धांत नहीं है। सपोज मान लेते हैं कि तीन सिद्धांत दे दिया और चौथा सिद्धांत कुछ और रहा, चौथा और रहा, यह हो सकता है चौथा आपका ऑप्शन हो कि निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पहला हो गया स्टेटमेंट बेस पे, आपको स्टेटमेंट दे सकता है, पहला स्टेटमेंट दलहनी के बाद अदलहनी लगाना, दूसरा दे सकता है कि आपका शैलो रूटेड के बाद डीप रूटेड लगाना, तीसरा दे सकता है कि अधिक जल चाहने वाले के बाद कम हो सकता है, और चौथा हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा सकते हैं। दूसरा पूछा जाता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने बताया है, सेम सीजन क्रॉप नहीं होना चाहिए, तो आपके दिमाग में खरीफ रबी जायद याद होना चाहिए कि उनमें से कौन कौन सी फसल है। इसके लिए मैंने बोला अलग से क्लास लूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का। दूसरा आपका प्रिंसिपल क्या था, दलहनी के बाद अदलहनी लगाना, मतलब आपको दाल वाली फसल बस याद रखनी है, और बगल में क्या रखना है, बिना दाल वाली फसल याद रखनी है। ठीक है, पेपर में हो सकता है कि दो दाल वाली फसलों को दे दे और बोल दे क्या ये फसल चक्र के सिद्धांत को संतुलित करता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करता भाई। आपको एक दाल वाली होनी चाहिए, दूसरी या दलहनी होनी चाहिए। तीसरा आपका हो सकता है शैलो रूटेड और डीप रूटेड। शैलो रूटेड मतलब जिनकी जड़ें उथली रहती है। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी फसल है, आप खुद ही याद कर सकते हैं। जितना भी, जैसे देख लीजिए, आपका धान है, गेहूं है, चना है, ठीक है, आपका मक्का है, ज्वार है, ठीक है, आपका और क्या ले सकते हैं, जो मैक्सिमम जो सब्जियां रहती हैं वो सारी क्या रहती हैं, उथली जड़ वाली रहती हैं। गहरी जड़ वाली कौन सी रहती है, गहरी जड़ वाली अरहर है। आप अरहर के पौधे को उखाड़ के देखिए, एकदम भयंकर गहराई तक जाता है, आधा से एक मीटर तक चल देता है। उसके बाद आपका क्या है, गन्ना जैसे हो गया, गन्ना का भी बहुत अच्छा डेप्थ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सरसों हो गया। अब देखिए, गन्ना को ना कुछ जगहों पर ना शैलो में रख दिया है। क्यों शैलो में रखा है, उसका रीज़न भी है कि गन्ना ना एक तो रहता है अधशाली एकशाली। अब ये बोलेंगे कि अधशाली एकशाली क्या है, तो कुछ गन्ने एक साल के लिए लगाए जाते हैं, कुछ गन्ने डेढ़ या दो साल के लगाए जाते हैं, कुछ गन्नों को तीन साल के लिए लगाया जाता है। तो जैसे जैसे अवधि बढ़ती है ना, वैसे वैसे उनका जो रूट रहता है वो भी अंदर जाते जाता है। तो ये एक बहुत मेन रीज़न है, ठीक है। तो डीप रूटेड भी आपको याद हो गया। फिर हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप, तो हाई वाटर रिक्वायरमेंट में आपका आलू है, गन्ना है, आपका धान है, ठीक है, और आपका हाई वाटर रिक्वायरमेंट में क्या ले सकते हैं,
बाकी जनरली और उतने ज़्यादा तो कुछ हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा है वो यही तीन है, आलू है, गन्ना है और धान है। अब इसमें से भी याद रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जल चाहने वाली पसंद किसे है, तो धान को है। अगर पूछा गया कि कौन सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ करता है, उपयोग करता है, तो गन्ना है। हमेशा होता क्या है ना कि जनरली आपका क्वेश्चन एक बार आया था, मुझे याद है BHU में शायद पूछा गया था कि अधिक पानी चाहने वाली, ठीक है, मतलब किसे पानी चाहिए ज़्यादा, चाहना मतलब पसंद कौन करता है, धान करता है। देखिए धान ना यूज़ नहीं करता उस पानी का। अगर आपको लग रहा होगा कि धान के खेत जो पूरे भरे रहते हैं वो उसका यूज़ करता है, ना बिल्कुल नहीं, उसको वो एटमॉस्फियर चाहिए, वो कीचड़ वाला भूमि चाहिए, वो ह्यूमिडिटी चाहिए, इसलिए उसके खेत में पानी भरा होना चाहिए। यूज़ तो उसका बिल्कुल बहुत कम मात्रा करता है, पर जब बात गन्ने की आती है तो वो यूज़ करता है। अगर पूरा खेत में पानी भरा है ना, तो उस पूरे खेत के पानी को वो यूज़ करेगा, धान यूज़ नहीं करेगा। आप देखेंगे कि धान में पानी भरा ही रहता है, लेकिन गन्ने में आप देखेंगे कि पानी भरा सूख गया। तो ये दो डिफरेंस है, याद रखेंगे। अब उसके बाद लेस वाटर रिक्वायरमेंट, कम पानी चाहने वाली फसल आपकी कौन सी है, चना है। देखिए चना को ना बहुत कम पानी चाहिए, सोरगम है, ठीक है, सोरगम को भी बहुत कम पानी चाहिए, तीवड़ा है आपका, तीवड़ा को भी बहुत कम पानी चाहिए। तो ये कुछ लो वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप है। तो ये तो रहा आपका चार प्रिंसिपल, आगे के प्रिंसिपल्स और पढ़ेंगे, बहुत प्रिंसिपल्स हैं इसके, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, भयंकर सारे प्रिंसिपल्स हैं। पांचवा जो आपका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हाई प्लांट न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप है, उसके बाद आपको क्या करना है, लो प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप को लगाना है। मतलब पहले उन फसलों को लगाना है जिसमें आपका जो खाद या उर्वरक है, प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब वही होता है ना, खाद या उर्वरक, ऐसे पौधे लगाना है जिनको अधिक खाद एवं उर्वरक चाहिए, उसके बाद ऐसे पौधे लगाना जिनको कम खाद एवं उर्वरक चाहिए। क्यों, फिर वही चीज़ है, ज़्यादा खाना खाने, कभी कभार होता है ना कि हम सामने वाले को ज़्यादा खाना दे देते हैं, बच जाता है, उसी खाने को क्या करते हैं, हम खा लेते हैं, जिससे कि उसका लॉस नहीं होता है। घर में होता है ना कि जब कोई बड़े खाते हैं तो उनका कुछ खाना अगर बच जाता है तो हम, या फिर जो लेडीज़ रहते हैं वो खा लेते हैं। आजकल तो ट्रेंड उल्टा हो गया, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, इक्वलिटी चल रही है, ठीक है, बट ये चीज़ होती है, अभी भी होती है कि जैसे बड़े भाई ने खा लिया, कुछ बच गया तो हम खा लेते हैं, या हमारा कुछ बच गया तो मम्मी खा लेती, तो क्या होता है कि हम वेस्ट होने नहीं देते हैं, न्यूट्रिएंट को वेस्ट होने नहीं देते, और न्यूट्रिएंट मतलब फूड मटेरियल है। तो सबसे पहले क्या कर दिया हमने, हाई प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप्स को लगा दिया, ऐसे फसलों को लगा दिया जिनको ज़्यादा मात्रा में आपका क्या है, उर्वरक और खाद चाहिए। उसके बाद जो खाद एवं उर्वरक भूमि में बच गया, उसी का यूज़ कौन कर देता है, लो प्लांट रिक्वायरमेंट क्रॉप वाले फसलें जो रहती है ना, वो कर लेते हैं। तो इसमें आपका लॉस भी नहीं हुआ, और देखिए एक्सेसिव अगर आप अप्लाई करेंगे खाद एवं उर्वरक की, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा फील्ड में दे रहे हैं ना, तो इससे भी आपकी मृदा उर्वरता खराब होती है। खाद तो फिर भी ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, लॉस नहीं करता, खाद आयुर्वेदिक है, क्या है, खाद जो आपका आयुर्वेदिक है, जबकि आपका जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, वो एलिलोपैथी है, मतलब ठीक है, इंस्टेंट रिएक्शन तो देगा बट लॉस भी उतना ही होगा, ठीक है। और खाद क्या है, आयुर्वेद है, बहुत टाइम लेता है, आराम से आप खेत में डालिए, एक दो साल के लिए फुर्सत हो जाइए। तो यही बोल रहा है कि अब बात आती है कि हाई प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप कौन से हैं, तो फिर वही चीज़ है आपका, कौन कौन सा है, राइस है आपका, शुगर केन है मतलब वही गन्ना, ठीक है, और आपका है आलू है, पोटैटो है, ठीक है, और आपके कौन से हैं, फिर आपका वीट भी है, इसको भी अच्छा खासा आपका न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये कुछ फसलें हैं जिनको ना बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता है। अब बात आती है कि लो प्लांट रिक्वायरमेंट, तो पहले तो आपकी दलहनी फसलें आ जाएंगी, भाई दलहनी फसलों को चाहिए ही बहुत कम खाद चाहिए रहता है। तो इसमें दलहनी फसल में आपकी कौन कौन सी आ जाएगी, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, उड़द आ जाएगा, ये सारी फसलें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रिंसिपल है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल है
कि आपका ब्रॉड लीफ नहीं बोलेंगे, एक रहता है सिक्स्थ प्रिंसिपल है कि ज़्यादा तने वाली या ज़्यादा शाखा वाली पौधों के बाद कम शाखा वाले पौधों को लगाना। ठीक है, क्या है? ज़्यादा शाखा वाले, ज़्यादा शाखा से मतलब क्या है आपका, जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेस जो है ना, हाई ब्रांचेस प्लांट्स के बाद क्या है, हाई ब्रांचेस प्लांट के बाद आपका लो ब्रांचेस वाले प्लांट्स को लगाना। अब ये क्यों भाई, ये क्यों ऐसा, ये तो अब बहुत गलत हो जाएगा ना, लग रहा हुआ ना कि यार ये हाई ब्रांच और लो ब्रांच, तने से क्या दिक्कत है? तने से भी दिक्कत है भाई, बिल्कुल दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? जगह के लिए, जगह के लिए क्या है? आपका लीफ एरिया इंडेक्स रहता है, एक टर्म आता है लीफ एरिया इंडेक्स बोला जाता है इसको, मतलब आपका पौधा का जो पत्तियां हैं या जो पौधे हैं वो जगह घेरने के स्थान पर भी रहते हैं। अब देखिए ये एक फील्ड है, तो अगर आपने देखा होगा तो फील्ड में ना ऐसे फसलें लगती हैं, लगती है ना ऐसी फसलें, देखा होगा आपने, लाइन से लाइन लगे रहती हैं। अच्छा, ये लाइन जो रहता है ना ये भी मेंटेन रहता है। आप देखेंगे कि कुछ पौधों में या कुछ फसलों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे गन्ना में एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में डिफरेंस लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब आधा मीटर से भी ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे धान की बात आती है ये 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है, कितना हो जाता है 15 से 20 सेंटीमीटर, मतलब धान में हम ऐसे भी लगा सकते हैं। और तो ये क्या फर्क पड़ता है इससे, इससे फर्क ये पड़ता है सॉइल स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो भी, और इसके साथ ही साथ जो फील्ड की है, फील्ड का क्या है न्यूट्रिएंट या फर्टिलिटी, ये भी अफेक्ट होती है। इसलिए क्या है, आप बहुत ज़्यादा ब्रांचेज वाली शाखा के बाद थोड़ा कम ब्रांचेज वाला शाखा। अब बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आपके किस में आ जाएंगे, तो देखिए आपका जैसे गन्ना है भयंकर ब्रांचिंग आती है, आपका जो मक्का है उसमें भयंकर ब्रांचिंग आती है, आपके जो सोरगम है उसमें भयंकर ब्रांचिंग होती है, तना देखेंगे ना एकदम ऐसे 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 रहता है, एकदम लहराए हुए रहता है। उसके बाद क्या करती है आप, छोटे छोटे सकरे सकरे, जैसे आपका गेहूं हो गया एकदम पतला सा रहता है बेचारा, सुकड़ा सा, पोलियो ग्रसित, ठीक है, आपका जो गेहूं रहता है आप और क्या ले सकते हैं, बहुत सारे क्रॉप है आपके, सरसों, चलिए सरसों में भी थोड़ी सी ब्रांचिंग हो सकती है, बट आपका जो धान है, जो आपका गेहूं है, जो आपका चना है, ये सब क्या रहते हैं, छोटे छोटे पौधे रहते हैं। क्लियर है, आपके 6 प्रिंसिपल्स हो गए। सातवां प्रिंसिपल है कि फसल चक्र में, ठीक है, जो फसल चक्र की ड्यूरेशन रहती है ना, लगभग आपको एक सब्जी वाली फसल रखनी है, ठीक है, फसल चक्र में एक सब्जी वाली फसल आपकी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने अगर 2 साल का फसल चक्र बनाया है तो इसमें 2 साल मतलब कितना होगा, 24 महीने में, तो 24 महीने में एटलीस्ट आपका एक क्या है, सब्जी वाली फसल होनी चाहिए। यह आपका सातवां पॉइंट है, ठीक है, वेजिटेबल क्रॉप्स होना चाहिए। आठवां बता देता हूँ, तिलहनी फसल होनी चाहिए, ऑयल सीड क्रॉप होना चाहिए। ये दोनों को इसलिए एक साथ बता रहा हूँ, अलग अलग प्रिंसिपल है ना, मतलब ये याद रखिए कि फसल चक्र के दौरान आपको एक ऐसा टाइम आएगा कि जो आप फसल यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला दलहनी के बाद अदलहनी लगाना, दलहनी के बाद मान लेते हैं अरहर के बाद मैंने क्या बोला अदलहनी, आपने वीट लगाया, तो इसके बाद ना आप कोशिश कीजिए कि या तो एक वेजिटेबल सब्जी वाली फसल हो जाए या फिर आपका एक ऑयल सीड क्रॉप हो जाए। अब सब्जी वाली फसल तो सभी को पता होगा, जो भी आपको सब्जियां दिखाई दे रही हैं, ऑयल सीड क्रॉप कौन सी होती है, तेल वाली फसलें, तो आपका जैसे सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, राम तिल हो गया, तिल हो गया, ये सारी कौन सी है आपकी, सरसों हो गया, ये कौन सी है आपकी, ऑयल सीड क्रॉप। तो कोशिश कीजिए कि अरहर और वीट के बाद हम एक ऑयल सीड क्रॉप को लगा दें, क्या कर दें, ऑयल सीड क्रॉप को लगा दें या फिर एक वेजिटेबल क्रॉप को लगा दें। अच्छा, नौवां प्रिंसिपल क्या है, नौवां प्रिंसिपल ये बोलता है माफ कीजिएगा कि फसल चक्र के दौरान एक बार खेत को पड़ती छोड़ना चाहिए। अब पड़ती क्या होता है, फैलो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फैलो। फैलो का मतलब होता है कि मान लेंगे एक वर्ष की अवधि आपने, हमने क्या कर दिया, खरीफ सीजन रहता है, रवि सीजन रहता है, जायद सीजन रहता है, ठीक है, तो खरीफ में हमने क्या कर दिया, धान लगा दिया, रवि में फैलो छोड़ देना, मतलब फील्ड को खाली छोड़ देना, ठीक है, क्या कर देना, फील्ड को खाली छोड़ देना, इसमें कोई भी फसल ना लगाना, फिर जायद में आप जो लगाना चाहो लगा दो। अब बात आती है क्यों भाई,
क्यों? अब आप बोलोगे कि सर अभी तक तो आपके प्रिंसिपल्स में ऐसा था भाई लगाते रहो विभिन्न फसलों को, आप बोल रहे हो दलहनी के बाद अदलहनी को लगाओ, आप छोड़ने के लिए फिर बात कर रहे हो। ये कब करना? जब आपका फसल चक्र का अवधि ज़्यादा हो, जैसे आपने 2 साल का फसल चक्र बनाया या 3 साल का फसल चक्र बनाया ना, तो उसमें एक सीजन जो रहता है ना उसको खाली छोड़ दो। क्यों खाली छोड़ो? अच्छा खुद बताइए, अगर मैं आपको कंटिन्यूअसली 24 घंटे काम कराऊँ तो आप करोगे? नहीं करोगे ना, थक जाओगे ना यार। भूमि भी तो है, भूमि भी तो क्या है, एक मतलब इंसान तो नहीं है, पर भूमि के ऊपर भी आप अत्याचार तो नहीं कर सकते ना कि लगातार खरीफ हो गया, फिर रबी में आप लगा रहे हो, फिर जायद में आप लगा रहे हो, फिर खरीफ में लगा रहे हो। तो इसीलिए ना ये जो पड़ती छोड़ा जाता है ना, ये उसको रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट दिया जाता है कि भूमि क्या है, थोड़ा सा आराम कर ले, ठीक है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट उसमें डाल दिए, उर्वरक डाल दिए, ठीक है, बहुत सारे कीड़े लग गए, बीमारी लग गई, अब भूमि को थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में ले आओ, जिससे कि वो थोड़ा सा क्या है टाइम ले ले अपनी संरचना सुधारने के लिए। और दूसरा रीज़न ये रहता है कि मान लेते हैं जैसे आपका खरीफ, जैसे यहाँ पे पानी की समस्या रहती है जिन स्थानों पे, तो खरीफ में तो बारिश हुआ आराम से पानी गिर जाएगा, रबी में क्या करेंगे? रबी में तो पानी नहीं गिरेगा, तो हम क्या कर देते हैं, पानी नहीं गिरता है इसलिए रबी में फसल ही नहीं लगाते हैं, रबी में फसल ही नहीं लगाते हैं। तो ये भी पड़ती का ही उदाहरण है। या फिर हम क्या करते हैं, खरीफ में फसल नहीं लगाते हैं और रबी में हम धान लगा देते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? खरीफ में हम पूरे फील्ड में पानी को भरे रहने देते हैं, क्या करते हैं, पूरे फील्ड में पानी को भरे रहने देते हैं, और हमें पता है कि रबी के जो क्रॉप्स रहते हैं उनको पानी की आवश्यकता थोड़ी सी कम चाहिए रहती है। क्यों? क्योंकि वातावरण में ऑब्वियसली वातावरण ठंडा है तो इवापोरेशन भी कम होगा, ठीक है। अब देखिए फील्ड का पानी जो सूखता है, कैसे सूखता है, 2 वजह से सूखेगा, या तो आपका भूमि के नीचे जाएगा, क्या होगा, भूमि के नीचे जाएगा, या तो भूमि से ऊपर जाएगा। तो भूमि से ऊपर कैसे जाएगा, इवापोरेशन, ठीक है, वेपर जो है आपका जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड स्टेट से किस में जाएंगे, आपके गैस स्टेट में, वाष्पीकरण बोलते हैं ना शायद इसको, वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन, वाष्पीकरण शायद बोलते हैं। और नीचे क्या होगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन या फिर आपका लीचिंग होगा, लीचिंग मान लेते हैं। लीचिंग मतलब क्या है, पानी का नीचे जाना, क्या है, पानी का नीचे जाना। तो पानी नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, दो ही तरीके से आपका लॉस होगा। अब ठंडी के दिनों में ऊपर जाने वाला सिलसिला तो यार दिक्कत है, क्योंकि आपका वातावरण जो रहता है वो ठंडा बना रहता है, तो इवापोरेशन होता बड़ा कम है, तो लॉसेस होते नहीं है। अब लीचिंग हो सकता है, तो लीचिंग को आप रोक भी सकते हैं, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके। तो इसीलिए फैलो छोड़ दिया जाता है। तो फैलो का कॉन्सेप्ट भी समझ आया। इसके बाद जो आपका 10वां प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि फसल चक्र के दौरान, क्या है, फसल चक्र के दौरान कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ आपके कौन से हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं आपके गोबर की खाद हो गई, ठीक है, कंपोस्ट हो गया। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये नेचुरल है। मैंने फिर से बोला कि कार्बनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब आपका आयुर्वेद, और आयुर्वेद हमेशा फ़ायदा पहुंचाता है, भले थोड़ा देर से पहुंचाता है पर फ़ायदा पहुंचाता है। तो 10वां प्रिंसिपल क्या है, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, और भी प्रिंसिपल हैं, और भी प्रिंसिपल हैं, बट ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे। आप इसको समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल को समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये समझ लीजिए। अब एक चीज़ आता है, प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया क्रॉप रोटेशन का, अब आता है ऑब्जेक्टिव, क्या है ये आपका फर्स्ट खत्म प्रिंसिपल, सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव, क्यों क्रॉप रोटेशन किया जाता है, उद्देश्य क्या है। तो इसका ना दो उद्देश्य रहता है, दो तरीके से इसके उद्देश्यों को हम समझेंगे, एक रहता है डायरेक्ट और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या रहता है ना, डायरेक्ट में आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट बेनिफिट आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है पहला तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दूसरा यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में क्रॉप रोटेशन में क्या रहता है, तो दो डायरेक्ट फैक्टर्स आपके क्या है, पहला है आपका यील्ड इंक्रीज करने के लिए, सॉरी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, दूसरा क्या है आपका यील्ड इंक्रीज करने के लिए, यील्ड इंक्रीज मतलब उपज में वृद्धि करने के लिए, तीसरा क्या है आय बढ़ाने के लिए। सीधा सीधा भाई आय बढ़ाएंगे हम, हमको
मुनाफा चाहिए, ये क्या है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या बेनिफिट है, इनडायरेक्ट बेनिफिट है मृदा में पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए, मृदा में पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए। अच्छा कौन से पोषक तत्व, देखिए जैसे मैंने बोला ना कि आप दलहनी के बाद अदलहनी को लगाइए तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट आपके बने रहेंगे। उसके बाद मृदा की संरचना जो रहती है, सॉइल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। अब इनडायरेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट ये है कि इसमें टाइम लगता है, ये डायरेक्टली नहीं रहते, आपकी जो मृदा की जो संरचना रहेगी ना वो धीरे धीरे सुधरती जाएगी, जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे मृदा में रहते जाएंगे। तो ये क्या है आपके इनडायरेक्ट फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो आपको शायद आपने सुना भी होगा बहुत बार, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्या है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, मतलब फसल चक्र की सघनता, इसको इंटेंसिटी या डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, फसल चक्र की सघनता या गहनता कितनी है। अब इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि आप फसल चक्र कर तो रहे हैं, कितना प्रतिशत हो रहा है, मुनाफा कैसे मिल रहा है आपको, कुछ फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है। तो पहला है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, इसके फॉर्मूला का है कि नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, कि फसलों की संख्या, कि आपने कितने फसल लिए हैं कहां पे क्रॉप रोटेशन में, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मतलब ईयर ले सकते हैं आप, कि ड्यूरेशन, टाइम मान लीजिए, ईयर मान लीजिए, ड्यूरेशन मान लीजिए, कितने अवधि के लिए आप ये क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, इनटू 100, क्या है इनटू 100। अब ये आपको समझ आया ना आए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने बोला कि एक क्रॉप रोटेशन मैं बना रहा हूँ ना, एक क्रॉप रोटेशन आपका क्या है, राइस लगाया मैंने, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, चिकपी लगाया, और इसके बाद क्या कर दिया मैंने, कुछ एक फसल आपका वेजिटेबल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने करेला लगाया, ठीक है, ये क्रॉप रोटेशन है। अच्छा एग्जांपल भी पूछे जाते हैं ना क्रॉप रोटेशन के, तो याद क्या रखना है, जो सारे प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करे वही क्रॉप रोटेशन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे मैंने अदलहनी के बाद दलहनी लगा दिया, ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपके यहाँ अरहर लगा दें और यहाँ पर मैंने वीट लगा दिया और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ करेला। चलिए इस एग्जाम्पल्स के साथ चलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पहला प्रिंसिपल ये सेटिस्फाई क्या हो रहा है, तीनों डिफरेंट सीजन के हैं, दूसरा प्रिंसिपल अदलहनी के बाद दलहनी को मैंने लगाया है, तीसरा गहरी जड़ वाली ये है, उथली जड़ वाली ये है, चौथा अधिक उर्वरक वाली है, एक कम उर्वरक वाली है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका क्रॉप रोटेशन है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, कितने हैं क्रॉप, तीन लिख दीजिए, तीन, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है। अब ये फैक्टर है कि आप टाइम कैसे पता करेंगे, या तो क्वेश्चन पेपर में टाइम दे दिया रहता है कि तीन साल की निम्न, ये तीन साल का फसल चक्र है जिसमें निम्न फसल लिए गए हैं तो आप इसकी इंटेंसिटी निकालिए, कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो इसको इंटेंसिटी कैसे निकालनी है, आपको सबकी अवधि पता होनी चाहिए कि अरहर कितने मौसम का कितना वक्त लेता है, धान सॉरी गेहूं आपका कितना वक्त लेता है, करेला कितना वक्त लेता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको कहाँ से याद होगा, जब हम क्रॉप्स पढ़ेंगे ना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे, वहाँ पे सारे फसलों की अवधि दी जाती है। तो देखिए अगर मैं अरहर को ले लूँ तो अरहर एक साल की फसल है, ठीक है, गेहूं को ले लूँ तो गेहूं लगभग तीन से चार महीने की फसल है, करेला को भी ले लूँ तो लगभग दो से तीन महीने या चार महीने की फसल है। अगर मैं तीनों को टोटल करूँ तो आपकी अवधि कितनी होती है, ये ईयर में है ना और ये मंथ में है, ये सब मंथ में है, तो मान लेते चलिए इसको तीन महीना ले लेते हैं, ठीक है, कहा है इतना कन्फ्यूज़ हो, तीन महीना ले लेते हैं, तो ये एक साल मतलब बारह महीना, ये चार महीना और ये तीन सात, मतलब टोटल कितना है, एक साल और सात महीने, ऑलमोस्ट दो साल। अब देखिए यहाँ पर मैंने ईयर में लिया है इसलिए मैंने इसको दो साल लिया है, क्योंकि डेढ़ साल से ज़्यादा मतलब दो साल ऑब्वियस सी बात है, डेढ़ साल से कम मतलब ऑलमोस्ट एक ईयर, ये आपको पता है ना कि कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो नंबर ऑफ क्रॉप कितने हो गए, तीन, टाइम कितना हो गया, दो ईयर, इनटू 100 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो तीन को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा कितना आ जाएगा, ये 1.5, तो 1.5 इंटू 100 मतलब 150%, आपका क्रॉप रोटेशन की इंटेंसिटी कितनी है, 150%।
कितनी है 150%। ये तो रहा आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। पहला क्या था आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, दूसरा पूछा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। कभी कभार इसका वैल्यू पूछता है ना कि भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो याद रखेंगे भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 136 से 142% है। अब फिर आप बोलेंगे कि 136 से 142 कैसे, देखिए कुछ बुक्स में 136 दिया है, कुछ बुक्स में 139 दिया है, कुछ बुक्स में 140 दिया है, कुछ बुक्स में 142 दिया है, कुछ बुक्स में 143 दिया है। अब बात आती कि इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है भाई, हर बुक में अलग अलग क्यों दिया है। तो रीज़न ये है कि जब इंटेंसिटी निकाली जाती है तो अलग अलग मापदंड तैयार किए जाते हैं, क्योंकि भारत की बात की जा रही है, मतलब आपको हर राज्य का इंटेंसिटी लेना है, उसके बाद उस हर राज्य के इंटेंसिटी का एवरेज निकालना है, उसके बाद भारत का एवरेज निकलेगा। अब देखिए होता क्या है कि मैं मान लीजिए इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ की इंटेंसिटी निकाली, मैंने मध्य प्रदेश की इंटेंसिटी निकाली, ये तो मैं निकालने अकेले मैं नहीं जाऊँगा ना, मैं क्या करूँगा डाटा मंगवाऊँगा। अब हो सकता है कि खरीफ तक इंटेंसिटी किसी राज्य की अलग हो, रवि में आते आते इंटेंसिटी बदल जाए, जायद में आते आते इंटेंसिटी बदल जाए, इसलिए क्या रहता है ना ये रेंज में वैरी करता है। इसलिए मैंने आपको बताया 136 से 142 क्या रहता है, इंटेंसिटी किसकी है क्रॉप डेंसिटी ऑफ इंडिया कितनी है 136 से 142, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाई नेट सोन एरिया इंटू 100। अब बात करेंगे कि यार ये टोटल क्रॉप एरिया और नेट सोन एरिया होता क्या है, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम से आप समझ लीजिए, मान लेते हैं कि मेरे पास 5 हेक्टेयर का एक जमीन है, कितना है 5 हेक्टेयर का एक जमीन, तो ये 5 हेक्टेयर का जमीन क्या कहलाएगा नेट सोन एरिया, क्या कहलाएगा नेट सोन एरिया। तो यहाँ पे चलिए नीचे लिख देते हैं नेट सोन एरिया। अब बात आती है कि टोटल क्रॉप एरिया कितना है, मतलब कुल बोया गया क्षेत्र। अब आप बोलेंगे कि मान लेते हैं मैं इस 5 हेक्टेयर में 4 हेक्टेयर बोल रहा हूँ, तो नेट आपका क्रॉप एरिया 4 है, ऐसा नहीं है। जो आपका टोटल क्रॉप एरिया है ना वो अलग अलग मौसमों के आधार पे निकाला जाता है, खरीफ रवि और जायद। मैंने बोला ना ये 5 हेक्टेयर की जमीन आपकी है, ये ऐसा थोड़े कि खरीफ में 4 हो जाएगा, रवि में 3 हो जाएगा, जायद में 5 हो जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा ना हमेशा, 5 हेक्टेयर मतलब 5 हेक्टेयर। पर आप खरीफ में कितना हेक्टेयर का यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि खरीफ में मेरे पास इरिगेशन सिंचाई का पूरा स्रोत था, तो मैंने 5 के 5 हेक्टेयर जमीन पे धान लगा दिया। रवि में मेरे को थोड़ा सा पानी का किल्लत है, तो मैंने सिर्फ 2 हेक्टेयर जमीन पे क्या किया गेहूं लगाया। और जायद में वापस से मेरे पास क्या है वाटर का सोर्स ज्यादा नहीं रहा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टेयर में क्या किया मूंग लगाया, क्या किया मूंग लगाया। तो टोटल कितना हो गया 5, 6, 7 और 1, 8। तो यहां पे रख लीजिए आप 8 × 100 × 100। तो आपका इसको डिवाइड कीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा, 8 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 × 1 = 5, यहां कितना बचेगा 3, 5 × 6 = 30। तो मतलब 1.6 मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से, तो 160% आपका क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्या 160% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि आपने एक साल में जो इंटेंसिटी वो कितनी है 160। अच्छा याद रखेंगे कभी भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% से कम नहीं होती है, कितनी 100% से कम नहीं होती। 100% का मतलब है एक साल एक फसल, क्या है एक साल एक फसल। तो आप हर साल एक फसल तो मिनिमम लोगे, अगर एक फसल नहीं ले रहे हो तो आप काउंट ही नहीं करोगे, वो फिर आपका क्या है एग्रीकल्चर में आएगा नहीं। तो ये याद रखेंगे कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंटेंसिटी कभी भी 100% से कम नहीं होगी। अब ये जितना ज़्यादा जाता जाएगा उतना अच्छा है। अब मान लेते हैं कि आपके पास इरीगेशन का अच्छा खासा सोर्स है, मैंने क्या किया रवि में भी 5 हेक्टेयर पर गेहूँ लगाया और जायद में भी 5 हेक्टेयर में मूँग लगाया, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। अब मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 15, तो 15 / 3 क्या हो जाएगा आपका 15 / 5, तो आ जाएगा 3 × 100 = 300% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, क्लियर है। तो आज की क्लास यही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे का जो टॉपिक्स है क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है आपका, क्रॉपिंग स्कीम है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये आपको बता दिया गया है,
ठीक है, आपको क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पूछ सकता है, आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछ सकता है, वेरी करते हैं। अब बात एक चीज़ ये आती है कि मान लीजिए आपका ऑप्शन में जैसे होता है ना, मैंने क्या बताया रेंज को 136 से 142, अब मान लेते हैं कि आपका ऑप्शन थोड़ा अटपटा आ गया, आपको ऑप्शंस दे दिया गया 130, 135, 140, 145, अब आप किसको लेंगे? अब तो बड़ा दुविधा है, तो अब आप किसका आंसर लेंगे? 140। तो क्या याद रख सकते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया 140 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं आप, मतलब 140 प्लस माइनस 5। अब इसके नियर अबाउट की वैल्यू आपको लेनी है, 140 के आसपास की वैल्यू ही आपको लेनी है। अब आप बोलेंगे कि 136 है, 138 है, 140, 142 ऐसा ऑप्शन आया, तो ऐसा अगर ऑप्शन आया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आप क्या कीजिए, श्रीधा भगवान का नाम लीजिए और टिक कर लीजिए। ठीक है, क्या है, भगवान का नाम लीजिए, टिक कर लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शंस ऑलमोस्ट सही है। इसके बाद दो चीज़ें होंगी, या तो व्यापम को या जो आपके आयोग है उसको ये क्वेश्चन गलत करना पड़ेगा, ये ऑप्शंस को बिल्कुल हटाना पड़ जाएगा, या फिर अगर वो किसी ऑथेंटिक बुक से है। अब देखिए बहुत सारी बुक ऑथेंटिक्स है, मैंने पहले बोला ना, तो यहाँ पे आप क्या टिक कर सकते हैं, 140, फिर से वही बात है, फिर से वही बात है। ठीक है, कुछ बुक्स में 136 दिया, जैसे आपकी अरुण कात्यायन की बुक है उसमें 136 दिया और वो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक है, लेकिन कुछ आपकी एग्रोनॉमी की बुक है वहाँ पे 142 दिया है, कुछ आपके बुक्स हैं आपके जैसे शायद एक के एल नंदेहकर की बुक है उसमें शायद 140 दिया है, और भी आपके बुक्स हैं, एक है आपका शायद हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर शायद, उसमें जो आपका ऑप्शन लिया वो 138 लिया है शायद, तो ये वैरी करता है। और देखिए एग्रीकल्चर में हमेशा डाटा वैरी करती है, इस चीज़ को तो आप लिख के रख लीजिए कि डाटा हर साल चेंज होती ही होती है। क्यों? क्योंकि प्रयोग होते रहते हैं भाई, उत्पादन होते रहता है, उत्पादन होते रहता है, मतलब डाटा क्या है, बदलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास से अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो बिल्कुल आप अपना डाउट रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, थैंक यू सो मच।